तो हेलो जी, की हाल चाल। वेलकम बैक टू योर चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो आज डेट है 22 सितंबर और टाइम हो रहा है इस टाइम 6। तो आज की व्लॉग का टाइटल आपने देख लिया होगा कि किस चीज़ पे होने वाला है। तो इस चीज़ पे मैं व्लॉग नहीं बनाना चाह रहा था, मगर मैंने सोचा कि एक थॉट प्रोसेस शेयर किया जाए कि उनके लिए जो आगे व्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हैं, डेली व्लॉग्स या कर रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बात यह है कि जैसे अब मेरे को एक हफ़्ता हो गया है ऑलमोस्ट डेली व्लॉग्स डाले हुए, मतलब अराउंड मैंने एक हफ़्ते में 4 व्लॉग्स डाले हैं। जैसे मेरी स्पीड थी, मैं पहले एक महीने में 2 व्लॉग्स या 1 व्लॉग्स डालता था। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, क्योंकि पहले मैं बहुत टाइम मतलब कुछ चीज़ शूट करी तो उसको पूरा कंसेप्चुलाइज करता था कि कैसे उसको रखना है, क्या उसका सीक्वेंस रखना है। बट अब वो चीज़ नहीं है डेली व्लॉगिंग्स में, क्योंकि अगर आप पूरा दिन भर का शूट करते हो तो आपको उसी दिन ही एडिट करके अगले दिन डालना होता है। तो ये चीज़ एक तरह से बहुत ड्रास्टिक चेंज थी मेरे लिए, क्योंकि मैं जो टाइम एडिटिंग में पहले अराउंड 7 से 8 घंटे लगाता था, वो मेरे को 1 से 2 घंटे में कंप्लीट करके अगले दिन के लिए रेडी करनी होती थी। और डेली व्लॉगिंग अगर आप एक तरह से रूटीन बना लो तो बहुत ईजी है। मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं इस टाइम ज़्यादा मतलब इतना रूटीन बन नहीं पाया डेली व्लॉग में, पर ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा सा रूटीन बन जाए, कि मेरे को भी थोड़ा इजी हो जाए, काइंड ऑफ रूटीन बन जाए। हाँ, इतना मेरे को पता है कि इतना टाइम मैनेज करना है, कि जब तक मेरे को व्लॉग शूट करना है कितना टाइम मेरे को एडिट करने में लगेगा और कितना टाइम का मेरे को एक कंटेंट निकालना है अपने वीडियो के लिए। तो वो चीज़ फिगर आउट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा आने वाले 1-1.5 महीने में। उसमें भी अच्छा हो जाऊँगा मेरे हिसाब से, अगर इसी स्पीड से मैं चलता रहा तो। और यही सजेशन है, अगर आप डेली व्लॉग शुरू कर रहे हो और या कर ही रहे हो या मतलब अभी कर रहे हो और शुरू करना चाह रहे हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखना, आपको प्रॉपर टाइम की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि एडिटिंग भी आपको उसी में करनी है एक दिन में, कंटेंट भी उसमें ही बनाना है। तो ये चीज़ सोच के आप शुरू करना है ये चीज़। बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हर चीज़ में आती है। अगर आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हो, दिक्कत हर चीज़ में आती है, बट वो दिक्कत कब ख़त्म हो जाए आपको पता भी नहीं चलती और उस काम में आपको मज़ा आने लगता है। तो बस मैंने कहा चल ये चीज़ें शेयर करी जाएँ। जितने भी मैंने अभी तक व्लॉग्स डाले हैं, 4 या 5 या 6 डलेगा, मेरा हर व्लॉग एक दूसरे से रिलेटेड है। ये नहीं कि कोई और टॉपिक चल रहा है, दूसरे दिन कोई और टॉपिक चल रहा है। तो ये मेन पॉइंट है डेली व्लॉगिंग्स का, जितना मैंने देखा है, जितनी मैंने व्लॉगिंग देखी है उस हिसाब से। बट यार कभी ज़िंदगी में मैं स्क्रिप्टेड नहीं करूँगा डेली व्लॉग्स में। वैसे अगर मैं कुछ पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ या व्लॉग बना रहा हूँ तब मैं स्क्रिप्टेड होकर चलता हूँ, बट डेली व्लॉग में कभी स्क्रिप्टेड नहीं चलूँगा ये मैं कह सकता हूँ, इतना मेरे को है। ये बातें छोड़ के थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते हैं। और जब से प्ले स्टेशन लाया हूँ तब से एक बार नहीं खेला, तो चलो थोड़ी देर के लिए प्ले स्टेशन ही खेल लेते कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो बड़े टाइम बाद ये खेल रहा हूँ स्मैकडाउन पेन, मतलब मेरी वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट गेम्स है WWE की। अलग ही हो रहा है इस गेम का, तो आप खेलेंगे आज खेलेंगे रॉयल रंबल। अब मेरे को हो गया है 1.5-2 साल हो गए हैं ये गेम खेले, अब तो मेरे को कंट्रोल भी भूल गया। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, टिल देन के लिए दिस इज गुरु प्रताप सिंह, आई एम सर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर 17। बाय।